सेल्स चैंपियन तो बनना चाहते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सेल्स चैंपियन बनना तो है, पर सेल्स भाई साहब आपके कंट्रोल में नहीं है। सेल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कितनी सेल्स होगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैम ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तो खुद एक सेल्स कोच हो, एक बिजनेस कोच हो, हम आपके पास आते ही इसीलिए है कि सेल्स किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, सेल्स अपने कंट्रोल में हो, जिस लेवल पे हमें सेल्स चाहिए उस लेवल पर हम सेल्स करें। तो ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, सेल्स आपके कंट्रोल में नहीं है। तो क्या कंट्रोल में है, तो कंट्रोल में है आपकी सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज। सेल्स का मतलब वो रेवेन्यू आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है सेल्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो आपके कंट्रोल में है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, मतलब नंबर ऑफ लीड्स आप कितनी ला सकते हो वो आपके कंट्रोल में है, नंबर ऑफ कॉल्स आप कितनी कर सकते हो वो आपके कंट्रोल में है, नंबर ऑफ मीटिंग्स आप कितनी कर सकते हो वो आपके कंट्रोल में है। सेल्स को बढ़ाने के लिए, एक सेल्स चैंपियन बनने के लिए लर्निंग, सेल्स रिलेटेड ज्ञान कितना लेना है सो दैट आपका कन्वर्जन बढ़ सके वो आपके कंट्रोल में है। सेल्स करने की प्रैक्टिस कितनी करनी है आपको वो आपके कंट्रोल में है। आपका कन्वर्जन कितना आए, 10:2 आए, 10 में से 2 लोग कन्वर्ट हो या 10 में से 3 लोग कन्वर्ट हो या 10 में से 4 लोग कन्वर्ट हो, डेफिनेटली वो आपके कंट्रोल में है। वो अलग बात है कि आपको उसके लिए लर्निंग करनी पड़ेगी। सो मैं वो बात बोल रही हूं कि सेल्स इज नॉट इन योर कंट्रोल, जो सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज है वो आपके कंट्रोल में है। आप कितने लोगों से मिल रहे हो, आप कितनी कॉल्स कर रहे हो, कितने लोगों से बात कर रहे हो, कितने लोगों से ट्रस्ट बिल्ड करा वो आपके कंट्रोल में है। तो इन सब चीजों पे काम करें तो सेल्स ऑटोमेटिकली जो है आ जाएगी, उस लेवल पे आ जाएगी जिस लेवल की आप बात कर रहे हो। सो प्लीज डोंट फोकस, डोंट बिकम अ विक्टिम मेंटालिटी की सेल्स नहीं हो रही, सेल्स नहीं हो रही, सेल्स नहीं हो रही, बिजनेस नहीं आ रहा, रेवेन्यू नहीं आ रहा, मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा। दीज आर द नंबर्स जिस पे आपको काम करना है, विजिबिलिटी पे आपको काम करना है, लीड्स पे आपको काम करना है, मीटिंग्स में आपको काम करना है, कितने कनेक्शन बिठाए उस पे काम करना है, कितने लोगों से ट्रस्ट बिल्ड कर पाए उस पे काम करना है, कितने लोगों को आप दिखते हो उस पे काम करना है, कितनी विजिबिलिटी है आपको उस पे काम करना है। इन सब चीजों पे काम करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सेल्स की कमी कभी भी नहीं आएगी।